प्रज्ञान ब्रह्म एटले के परमात्मा रूपी ज्ञान। तो आ मोटो साथे आ हेतु साथे आ सूत्र ने सार्थक करती जो एक संस्था कोई हो मोरबी में तो ये नवोदय विद्यालय। आम तो समग्र भारत में न मात्र मोरबी में परंतु मोरबी में जवाहर नवोदय कार्यरत है। आज आप एनी खास मुलाकात लेवानी छे। नमस्कार, मोरबी अपडेट में आपनु स्वागत है। हूँ छूँ आपनो दोस्त शंकर रोमन सेता। आज की विशेष मुलाकात में आप आए छे कुदरतना खोड़े आवेल जे 70 वीघा में पथरायेला सरस मजानुं केम्पस छे जे केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। केन्द्र सरकार शिक्षण विभाग जे छे एना द्वारा संचालित आखू मोटू विशाळ केम्पस जे जवाहर नवोदय विद्यालय छे जे मोरबी में पण कार्यरत छे। घणा बधा लोकोने ख्याल नहीं होय तो आज आपणे एनी विशेष मुलाकात आव्या छीए अने खास जवाहर नवोदय में कया कया प्रकार की प्रवृत्ति चले है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कई रीते मळे छे, खूब अघरू होय छे नवोदय में एडमिशन लेवू। समग्र भारत भर में विद्यार्थी अहीं भणवा माटे आवे छे, अहींना विद्यार्थी बहार जता होय छे। पण आजे बधी प्रोसेस जोवानी छे अने जवाहर नवोदय कई रीते कार्यरत छे आपणे नजीकथी जोवानुं छे। साथे साथे एनईपी 2020 नो अमल अहीं कई रीते करवामां आवी रह्यो छे, अमल शुरू थई गयो छे धीमे धीमे, तो आपणे ए पण जोवानुं छे। आपणे अंदर जईने जोईए अने एमना प्रिंसिपल साथे पण वात करीशुं, विद्यार्थीओ साथे पण वात करीशुं अने बीजी बधी स्कूल्स करता नवोदय विद्यालय कई रीते अलग पड़े छे। कारण के सरकारी स्कूल छे आम परंतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित छे एटले अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर साथे साथे आ कुदरती वातावरण में कुदरतना खोड़े जे आ आखू संकुल आवेलू छे तो एनी आपणे आज खास मुलाकात लेवानी छे ने कई रीते अलग पड़े छे जोवानुं छे। अहीं घणा बधा विद्यार्थीओ छे, 250 वधारे विद्यार्थीओ हाल अहीं मोरबीमां अहीं ज रहे छे अने अभ्यास करे छे, होस्टेल पण छे, विशाळ संकુલ છે। તો એ બધા વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું। આપણે ખાસ એમના જે પ્રિન્સિપાલ છે સર સાથે વાત કરીએ। સર નમસ્કાર, મોરબી અપડેટમાં આપનું સ્વાગત છે। આપનું નામ જણાવશો અને જવાહર નવોદય વિદ્યાલય જે મોરબીમાં કાર્યરત છે તો એના વિશે થોડી અમને માહિતી આપો। મેરા નામ રવિન્દ્ર કાશીનાથ બોરોલે, મેં પ્રાચાર્ય કે રૂપમાં ઇસ વિદ્યાલયમાં કાર્યરત હું और जवाहर नवोदय विद्यालय मोरबी जो है 2019 में इसकी शुरुआत हुई। लगभग 2 साल तो कोरोना में ही बच्चे घर से ही पढ़ते रहे और लगभग 1.5 साल से बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। 30 एकड़ का कैंपस है, यहाँ एक भी पेड़ नहीं था क्योंकि ये जो ज़मीन है ये पथरीली ज़मीन थी और यहाँ कहा जाता था कि यहाँ कुछ मेला भरा करता था, इसलिए एक भी पेड़ नहीं था। और हमने इस वर्ष 1000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और केवल पेड़ लगाए नहीं, वो पूरा अच्छी तरह से बड़ा हो इसलिए ड्रिप इरिगेशन के साथ और सभी हमारे बच्चे और टीचर उसका देखभाल कर रहे हैं। और लगभग अभी 3 महीने के बाद 5-6 फुट का हर एक पौधा हो चुका है और ये 3-4 साल में तो ये पूरा कैंपस पूरा हरियाली हो जाएगा। पूरा पूरे भारत में ऐसे 650 से ज्यादा जवाहर नवोदय के कैंपस है, इसमें से मोरबी का भी एक है। तो अभी नया कैंपस है, बहुत मेहनत भी लगता होगा। कितने बच्चे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं? यहाँ अभी 280 के करीब बच्चे हैं और 40 बच्चे की अभी लिस्ट अभी अवेटेड है, यानी आएगी अभी तो 1 वीक के अंदर आएगी। तो 320 के करीब बच्चे इस वर्ष हो जाएंगे। और कितने स्टैंडर्ड यहाँ पे? यहाँ अभी 6 to 10 है क्योंकि ये शुरुआत 19 में हो गई तो 10वीं तक अभी स्कूल पहुँचा है। आने वाले नेक्स्ट ईयर 11, उसके बाद 12वीं, तो स्कूल 12वीं तक ही होता है। तो 12वीं तक स्कूल चला जाएगा 2 साल के अंदर। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे कैंपस में? स्कूल के अंदर सुविधा तो जो कोई भी अच्छा शिक्षा के लिए जो आवश्यक सुविधा है वो सभी सुविधा नवोदय विद्यालय में होती है। एक आप देख रहे कि ये जो स्कूल बिल्डिंग है इसमें सफिशियंट क्लासरूम है, 18 तो क्लासरूम है, 3 लेबोरेटरीज है, कंप्यूटर लैब है, स्पेशल लाइब्रेरी है, ऑफिसेस है और सभी जो भी खेलकूद के साधन भी है। और जैसा ही 11 में पहुँचेगा तो लेबोरेटरीज भी और अपग्रेड हो जाएगी। तो सब सुविधा जो आवश्यक है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, 30 एकड़ का कैंपस है तो ग्राउंड भी सफिशियंट है। बास्केटबॉल कोर्ट 2 है, हॉलीबॉल कोर्ट 2 है, खो खो के कोर्ट 2 है और ये हमारे जो है ये बैडमिंटन के कोर्ट हमने ओपन स्टेज में यहाँ बनाए हैं। तो सब सुविधा जो स्कूल में आवश्यक होनी चाहिए सभी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और हॉस्टल भी अवेलेबल है? हॉस्टल तो बहुत अच्छे है, अगर आप हॉस्टल का विजिट करेंगे, फोटो लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर एक आदमी को लगता है कि मैं ये हॉस्टल में कहीं एक दिन के लिए कम से कम न रह जाऊँ, ऐसी इच्छा होती है। बहुत अच्छा हॉस्टल, गवर्नमेंट का हॉस्टल है, फिर भी होटल जैसी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है। बहुत अच्छी सुविधा, साफ सुथरा भी है। मैं तो चाहूँगा कि अगर आप वहाँ तक जाएंगे और देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
ताकि हमारा मैसेज तो जाए, कम से कम सुविधा कैसी होती है। नहीं तो एक मैसेज होता है कि भाई सरकारी स्कूल है, ऐसा ही नॉर्मल वे में चलता होगा, लेकिन JNV एक ब्रांड हो गई। अभी JNV एक सामान्य स्कूल नहीं, पूरे देश के अंदर JNV एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एडमिशन के लिए समझ लीजिए कि लोग बहुत सपना देखने लगे अभी कि यहाँ एडमिशन मिल जाए तो मेरा बच्चे का करियर बन जाएगा। तो एडमिशन की सर क्या क्या प्रोसीजर है, अभी एडमिशन चल रहा है उसके लिए क्या प्रोसीजर जो है फॉलो करनी पड़ती है, ताकि जो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा गाइडेंस मिले। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि अभी एडमिशन का हमारा पोर्टल जस्ट ओपन ही हुआ है, अलग इस साल बहुत पहले से ओपन हुआ, हर साल थोड़ा लेट चलता है क्योंकि बीच में कोरोना के कारण थोड़ा सा हर चीज़ लेट होती गई, लेकिन अभी आज इस समय रेगुलराइज हो रहा है। इसमें जब बच्चा 5वीं में पढ़ता है तब वो एप्लीकेशन करना होता है, तो जब 5वीं पढ़ता है तो लास्ट में नवोदय की प्रवेश परीक्षा आ जाती है। तो इस वर्ष ये परीक्षा जनवरी या फेब्रुवरी में होगी, तो ये परीक्षा 5वीं में होता है तभी होती है, और जब ये परीक्षा पास होता है उसमें उसका नाम आता है तो 6th क्लास में एडमिशन होती है। तो अभी इसका फॉर्म भरना जस्ट स्टार्ट है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पब्लिसिटी कीजिए, और 10-15 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी 15-20 दिन हमारे पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के बच्चे फॉर्म भरे, क्योंकि खासियत ये है कि 75% यहाँ जो सीट होते हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होते हैं, तो ये खासियत है। केवल ग्रामीण बच्चों के फोकस रखते हुए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो गामडाना लोगों ने सारू शिक्षण मिले, गामडाना विद्यार्थियों पण सारा शिक्षण थी वंचित न रहे, एज हेतु आ जवाहर नवोदय विद्यालय नो हतो। अने आई थिंक 1985 માં એની કાર્યવાહી શરૂ કરી અને 1986 માં જવાહર નવોદય છે એની સ્થાપના કરવામાં આવેલ। 1986 મે દો નવોદય ખુલે, એક અમરાવતી ઓર જજ્જર, ઉસકે બાદ ફિર હર એક ડિસ્ટ્રિક્ટ મે ખુલના સ્ટાર્ટ હો ગયા। તો અભી આજ 6.5 કે ઉપર 650 કે ઉપર સ્કૂલ હે, ઓર ગુજરાત મે લગભગ 33 નવોદય હર એક ડિસ્ટ્રિક્ટ મે નવોદય બન ચુકા હે। મોરબી મે નયા જિલ્લા થા ઇસલિયે અભી નયા હુઆ હે, રાજકોટ કે સાથ જોડા હુઆ થા, સુરેન્દ્રનગર કે સાથ જોડા હુઆ થા, अभी ये सेपरेट हो गया। तो जितना सेपरेट हो रहा है उतना बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। अभी 15 अगस्त तक ये एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, साइट पे जाके सब प्रोसेस में जाके और आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन कोई फीस नहीं है, और वो जो पोर्टल है वो भी आसानी से कोई भी घर से मोबाइल से भी फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल, तमने जणावीए के ये बधुज आ शिक्षण से निःशुल्क होय छे, कम्प्लीट निःशुल्क, बिल्कुल समझ लीजिए कि बच्चों को केवल अंडर गारमेंट छोड़े तो बाकी सब कुछ यहाँ मिलता है, ब्रश से लेकर शूज से लेकर आपका हेयर ऑयल से लेकर सब कुछ मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह रहने खाने की सब सुविधा यहाँ पे बिल्कुल फ्री में निःशुल्क अहीं आपवामां आवे छे, रहेवू जमवू अने शिक्षकों पण एटला ज, कारण के आखू इंडिया लेवले चालतू होय तो शिक्षकों पण एटला क्वालिफाइड आवता होय। कम्प्लीट शिक्षकों तो खास करके हमारे, हम तो गर्व होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद ही ऐसे क्वालिफाइड शिक्षक होंगे, क्योंकि हमारे शिक्षक ऐसे आसानी से सिलेक्ट नहीं होते हैं, जो लगभग कॉन्ट्रैक्ट पे 5-5, 6-6 साल करता है, कभी कभी उसका नंबर भी नहीं आता है। तो इतना टफ एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, फिर बहुत सा रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, तो जो टीचर आता है बिल्कुल स्क्रूटिनाइज होके आता है, तो बहुत क्वालिफाइड टीचर होता है, टकोरा मार के बिल्कुल कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत अच्छी रहती है। એટલે આ બધી સુવિધાઓની સાથે નવોદય વિદ્યાલય અહીં અત્યારે કાર્યરત છે, બહુ સરસ મજાનું એન્વાયરમેન્ટ પણ છે, અમે તમને કેમ્પસ પણ બતાવ્યું। અને સર ખાસ કરીને NEP ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 આવી રહી છે, તો ખાસ કરીને ધીમે ધીમે હવે બધે જ પ્રાઇવેટ સાથે ગવર્મેન્ટમાં આનો જે એપ્લિકેશન છે એનું એ ધીમે ધીમે કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો અહીં આપણે કઈ રીતે યહાં પે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી કેસે હમ એપ્લાય કર રહે હૈ અભી ઉસકો એજ્યુકેશન મેં કેસે ઇન્ક્લુડ કર રહે હૈ। બહુત અચ્છા, નવોદય વિદ્યાલય જો હૈ, જૈસા કે હમારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને જુલાઈ 2020 કે અંદર એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ કા ઘોષણા કી, જિસકા ઉદ્દેશ યે થા કે ભારત કો એક વિશ્વગુરુ બનાના, જો કહીં ખોઈ હુઈ હમારી જો પરંપરા થી પદ્ધતિ થી વો ફિર સે પુનર્જીવિત કરને કા કોશિશ ઇસમે કિયા ગયા હૈ। तो ये नीति का, और आज आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इसी जुलाई में आज तीसरी वर्षगांठ NEP की हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन, ये दोनों भी मिनिस्ट्री सभी जगह आज इस महीने में
तीसरी वर्षगांठ एनईपी की सेलिब्रेट कर रही है। जहाँ तक नवोदय का प्रश्न है, नवोदय में एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे जो भी उद्देश्य है वो ऑलरेडी कार्यान्वित होना शुरुआत हो गया। जैसा कि पहला स्किल एजुकेशन, जो महात्मा गांधी जी का जो पहले बेसिक स्किल एजुकेशन की छात्र पढ़ते पढ़ते व्यवसायत्मक अपने स्वयं निर्भर होके कुछ अपना रोजी रोटी कमा सके, बोलते थे गांधी जी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी, तो एक स्किल एजुकेशन मेरे ख्याल से उसी का एक पार्ट है। तो पढ़ाई के साथ साथ हर एक क्लास के अंदर एक स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अभी इसमें धीरे धीरे और सुधार होगा, लेकिन हमारे नवोदय में तो हर क्लास के अंदर स्किल सब्जेक्ट अभी कंपलसरी हमारे नवोदय ने कर दिया। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक एडिशनल स्किल डेवलप कर रहे हैं जो उसको आत्मनिर्भर बनाने में उपयोगी हो सकता है। दूसरा जो है कि हमारे स्कूल के अंदर एक माइग्रेशन एक पॉलिसी जो है वो बहुत सुंदर है, जिसके अंतर्गत नेशनल इंटीग्रेशन की भावना, ये हमारा नवोदय का एक ऑब्जेक्टिव है और एनईपी का भी एक ऑब्जेक्टिव है। हर एक नागरिक के अंदर राष्ट्रीय भावना निर्माण होना बहुत आवश्यक है और ये माइग्रेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें 9 क्लास में जब बच्चा आता है तो 30% यहाँ के छात्र लड़का लड़की वो हिंदी भाषी प्रदेश में जानते हैं और हिंदी भाषी प्रदेश के 30% बॉयज़ गर्ल्स यहाँ आते हैं। तो हमारे स्कूल में इस साल बच्चे रतलाम 2 में गए, रतलाम में 2 स्कूल बन गए, रतलाम के बच्चे यहाँ आए। मैं चाहूँगा कि उन बच्चों से भी अगर समय मिला तो बात करना, तो ये एक अच्छी संकल्पना है। यहाँ कल्चरल एक्सचेंज, हमारा संस्कृति का लेन देन होता है, साथ में एक राष्ट्रीयता की भावना निर्माण होती है। साथ साथ में जो अभी नवोदय के में लगभग 14,000 पूरे देश के अंदर ऐसे स्कूल सिलेक्ट किए गए जिसको पीएम श्री के तहत ग्रांट मिल रही है। तो हमारे नवोदय में भी 350 से ज़्यादा नवोदय को पीएम श्री स्कूल के इसमें सम्मिलित किया गया। अभी इसका उद्देश्य यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, क्योंकि बहुत अभी नवोदय तो ऑलरेडी सुविधा है, इसमें और सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और कोई खेलकूद की सामग्री या सुविधा बढ़ाना, तो जिसके अंदर पूरा बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और अच्छी मॉडर्न एजुकेशन मिले, ऐसा पीएम श्री स्कूल में उसमें फाइनेंशियल प्रोविजन है। तो नवोदय भी 350 के ऊपर फर्स्ट फेज में हुए, अभी नवोदय मोरबी का भी नाम पीएम श्री स्कूल में अभी प्रपोज है इस साल के लिए, तो हमें खुशी है। वो करोड़ों में पैसा यहाँ मिलता है जिसका फायदा होगा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पूरा सराउंडिंग के बच्चों को भी इसका फायदा होगा। साथ में भी एनवायरनमेंट के बारे में भी एनईपी में ज़्यादातर स्ट्रेस दिया गया है। तो जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, ये नवोदय में जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ बच्चे 250 है लेकिन पेड़ हमारे 1,000 से ज़्यादा लग गए और हमारा पूरा प्रयास रहेगा एक भी पेड़ उसका बर्बाद नहीं होगा, पूरा का पूरा बड़ा पेड़ हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है। हम और हमारे टीचर ये बात करेंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर एक विद्यांजलि कार्यक्रम है, ये एनईपी का एक ऑब्जेक्टिव है। विद्यांजलि प्रोग्राम के अंदर क्या है कि ये नवोदय है, यहाँ तो बच्चे सिलेक्टेड है, होशियार बच्चे, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सराउंडिंग एरिया में अगर ऐसा कोई इलाका है जहाँ ये सुविधा नहीं है या अच्छे टीचर नहीं है या बेसिक मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, तो हमारे बच्चे और टीचर जाके उसको पढ़ाना है, वो विद्यांजलि प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है, वो उसके अंदर आता है। तो हमारे टीचर और ये हमने निश्चय किया कि वो कार्यक्रम को भी हमारे स्कूल में अच्छी तरह से करेंगे। बाद में उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि कक्षा 3 में जब बच्चा जाएगा तो उसको मिनिमम लेवल ऑफ न्यूमरेसी यानी संख्या का ज्ञान होना ही है, मिनिमम लेवल, वो सभी पूरे देश में ये एक है। तो नवोदय बहुत ही, और 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ है, 3 भाषा पहले से ही पढ़ाई जाती है। तो एनईपी के ज़्यादातर जो भी उद्देश्य है हमारे नवोदय में सही तरह से अपने आप ही कार्यान्वित दिखाई दे रहे हैं और आगे भी होंगे। तो एनईपी 2020 कई रीते आमां सामेल थई रही छे अत्यारना शिक्षणमां अने नवोदय विद्यालयमां एने कई रीते आमां इन्क्लूड करवामां आवी रही छे एना बधा विषे आपणे जोयुं। આગળ આપણે વાલી સાથે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ વાતચીત કરીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર સર અમારી સાથે વાત કરવા બદલ। ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ। જવાહર નવોદય વિદ્યાલય મોરબી છે એના સ્ટુડન્ટ્સ એની સાથે પણ આપણે વાત કરવાની છે। અત્યારે અમે અહીંયા બહુ સરસ મજાનું એન્વાયરમેન્ટ પણ છે, બધા બાળકો ધીમો ધીમો વરસાદ આવે છે એમાં પણ આ સરસ મજાનું પ્લે એરિયા છે આખું, એમાં બધા રમી રહ્યા છે અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે આપણી સાથે છે એમની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું કે એમના અહીં કેવો અનુભવ રહ્યો ભણે છે। તો
આ બધી સ્ટુડન્ટ છે, બધી ચકલીઓ આપણી સાથે છે. કેમ છો બધા? મજામાં? કેમ છો બધા પાછળ વાળા? આ બેક બેન્ચર્સ બધા બહુ મજામાં છે, મારા જેવા હોય ને બધા. શું નામ તમારું બેન? મારું નામ કાશુંદ્રા જૈન સિંહ હસમુખભાઈ છે. હું ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરું છું અને હું અહીંયા 4 વર્ષથી નવોદયમાં હું છું. કેવું તમને અહીંયા ભણવામાં કેવું લાગે છે? તમને શું અલગ લાગે છે બીજી સ્કૂલ કરતાં? બીજી સ્કૂલ કરતાં અહીંના ટીચર્સ પણ વધારે હાઈલી એજ્યુકેટેડ હોય, જેનાથી એમની ભણાવવાની બધી રીતો છે એ પણ અલગ હોય. એના કારણે અત્યારે બધા જ પરમેનન્ટ ટીચર્સ અમારી સ્કૂલમાં અવેલેબલ છે. નવી સ્કૂલ હોવા છતાં પણ અમને બધી જ ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે અને હાયર એજ્યુકેશન એકદમ મસ્ત ક્વોલિટીનું અહીંયા એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે અને બધી જ ફેસિલિટી હોય. જેમ કે સ્પોર્ટ્સમાં પણ અમે બીજી સ્કૂલમાં જઈને બીજી સ્કૂલો સાથે કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ. જેમ કે નવોદયમાં જ અંદરો અંદર કોમ્પિટિશનો થતા હોય અને નેશનલ લેવલ સુધી પણ સ્ટુડન્ટ્સો આગળ વધી શકે છે સ્પોર્ટ્સ ફિલ્ડમાં. અને મ્યુઝિક છે, ડાન્સ છે, અધર એક્ટિવિટીઝમાં પણ એટલો જ ફોકસ કરવામાં આવે છે. નવોદય વિદ્યાલય મોરબીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે આપણે ખાસ વાતચીત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પણ ઉત્સાહમાં છે. બધા અહીંયા આવી ગયા છે અમારી સાથે વાત કરવા માટે અને બધા કહે છે કે અમારી સાથે અમારે બોલવું છે, અમારે વાત કરવી છે, અમારે વાત કરવી છે. એટલે આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે થોડી થોડી જેટલા બને એટલે વાત કરીએ. આ બધા નવા વિદ્યાર્થી છે, ખાસ ટીંડુડિયા મીંડુડિયા છે, બચ્ચા પાર્ટી, એની સાથે આપણે ખાસ વાત કરીએ. તમારું નામ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા તમે કયા ધોરણમાં ભણો છો? છઠ્ઠામાં. છઠ્ઠામાં આવી ગયા ને કંઈક ઘીઘોર ખાતા જાવ તો આમ કંઈક જોશ પોશ આવે, થોડાક આમ હટાકટા થાવ ખાઈ પીને. ક્યાંથી આવ્યા? સાપકડા ગામથી. સાપકડા ગામથી. તમે? હળવદથી. હળવદથી. શું નામ? યસ યસ. તમે? કોઠારિયાથી. કોઠારિયાથી આવ્યા. નામ શું? અંશ. અંશભાઈ. જૂના કાટીલા. જૂના કાટીલાથી. શું નામ? કૃતિક. કેરાળીથી. કેરાળીથી. શું નામ? ભાવિક. ભાઈ, અલગ અલગ ગામડામાંથી, અલગ અલગ તાલુકાઓમાંથી બધા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. મજા આવે છે ને અહીંયા? હા. આ બધા નાના નાના તો તમે નવા જ આવ્યા છો એવું મને જાણવા મળ્યું. કેટલા દી થયા? 15 દી થયા. હજી મમ્મી યાદ નથી આવતા? ના. ક્યારેક ક્યારેક આવી જાય? ના. વાંધો નથી ને? મજા આવે છે ને? આ બધા તો અહીંના જ છે આપણા, પણ પાછળ જે ઊભા ને વિદ્યાર્થીઓ એ ખૂબ દૂરથી આવ્યા છે. આવતા રહ્યું, સમજાવ દઉં મને. તમે બધા, આપ સબ લોગ કહાં છે? મધ્યપ્રદેશ મેં. સબ અલગ અલગ જિલ્લે મેં છે? અલગ અલગ. એક હી જિલ્લે મેં છે, મતલબ એક જિલ્લે મેં છે. સબકો યહાં પે મોરબી ભેજા હૈ, મધ્યપ્રદેશ ટુ મોરબી. કેસા લગ રહા હૈ આપો યહાં આકે? સર અચ્છા લગ રહા હૈ. વહાં પે કેસા? ગુજરાત મેં આકે કેસા લગા આપકો? સર યહાં પે આકે ભી અચ્છા હી લગ રહા હૈ. ગુજરાત કેસા લગા આપકો? અચ્છા. મજા આ રહા હૈ? ઠીક હૈ, અચ્છે સે પઢો. ઠીક હૈ. તો બધા વિદ્યાર્થીઓ છે અને આ જ આપણા આપણા ભારત દેશની ખાસિયત જ આ છે કે વિવિધતામાં એકતા. બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી ભેગા જવાહર નવોદય વિદ્યાલય છે એ પણ એની ખાસિયત પણ આ છે કે એના કારણે જ આ બધા વિવિધ પ્રાંતના બાળકો છે ને એકઠા કરીને બધા એકબીજાની જે સંસ્કૃતિ જાણે, એકબીજાની સભ્યતાઓ જાણે અને એકબીજા સાથે હળે ભળે અને એક સરસ મજાનું ભારત છે જે રિયલ આપણું ઇન્ડિયા છે એનું દર્શન અહીં આપણને થાય છે. આપણે જોયું આ બધે વિદ્યાર્થીઓ સાથે આપણે ખાસ વાતચીત કરી. આપણી સાથે અત્યારે શૈલેષભાઈ કાલારિયા પણ જોડાયા છે. તેઓ પણ એક શિક્ષક છે અને અહીં એમનો સન પણ અહીં અભ્યાસ કરે છે. સાહેબ, નવોદય વિદ્યાલયમાં તમારો બાળક અહીં અભ્યાસ કરે છે, અહીંનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, તમને અહીંયા શું ખાસિયત લઈ ગઈ અહીંની? નવોદય વિદ્યાલય મોરબીમાં 2019 ચાલુ થઈ ફર્સ્ટ બેન્ચમાં પુત્ર અહીંયા અત્યારે તો એ 10મા ધોરણમાં છે. એટલે હું મોરબીથી છું, વાલી છું અને પ્રાથમિક શિક્ષક છું. એટલે હું આ સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું અને પીટીસી મેમ્બર છું. તો આ સંસ્થાએ ઘણા ચડતી પડતી જોઈ છે. શરૂઆતમાં થોડી તકલીફ હતી પણ બોરેલા સર અત્યારે જે પ્રિન્સિપલ છે બહુ ઉત્સાહી છે અને પીટીસી મેમ્બર અને વાલીઓનો સાથ સહકાર પૂરતો છે. એટલે બંને સાથે જઈ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ સારી પ્રગતિ ઝડપથી કરેલી છે સ્કૂલે. અહીંયા તમામ સુવિધા, નાના મોટા નીતિ વિષયક પ્રશ્નો હોય છે પણ એની રજૂઆત યોગ્ય જગ્યાએ પણ વાલી મંડળ જાગૃત હોવાથી અમે લોકો કરીએ છીએ અને અહીંના શિક્ષક સ્ટાફ એમાં પણ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરાવે છે અને જે પણ ખામી છે એ સાથે બેસીને ચર્ચાથી નિવારણ કરીએ છીએ. એમના વાત કરતા હતા સાહેબ, વાત કરતા હતા આપણે, વાત થઈ કે બધા વાલીઓ ખૂબ સારા એક્ટિવ છે અહીંના અને આ બધું આવડું કેમ્પસમાં વાલીઓનો ખૂબ મોટો ફાળો છે ને ડેવલપમેન્ટમાં. કઈ રીતે આ, મતલબ આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં બધું એમાં વાલીઓનો કેવી રીતે ફાળો રહ્યો છે? એમાં એવું છે, શરૂઆતમાં જે જવાહર નવોદય પાસે ગ્રાન્ટ અમુક કામની ન હોય તો એના માટે વાલીઓએ ભંડોળ એકઠું કરી અને વિદ્યાર્થીઓને સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. નવા ધોરણના ઘાટ છે, બીજા કુલર, વોટર કુલર છે, આ છે,
અને અહીંના આ વિસ્તારના બે ભાઈઓ ભોરણિયા પરેશભાઈ અને ભોરણિયા લલિતભાઈ ઉદ્યોગપતિ છે, એમણે ખૂબ મોટો ખર્ચો કરીને ટપક પદ્ધતિ અને વૃક્ષારોપણનું કાર્ય કરેલ છે. હવે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને મળીને સૌએ એમને સાથે રાખીને જે કાંઈ બીજી ઘટતી સુવિધાઓ છે પૂરું કરવાનું આગલું પ્લાનિંગ છે. તો આપણે આખું બધી ડિટેલ જોઈ જાણી વાલી તરીકે સાહેબ સાથે આપણે ખાસ વાતચીત કરી, એમને સારી માહિતી આપી કે આગળ પણ હજી જે કાંઈ બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને ખૂટતું હશે પૂરું કરવામાં આવશે.